विश्व की तीसरी महाशक्ति बनेगा भारत, योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता और भ्रष्टाचार के कारण भारत का दुनिया में कोई स्थान नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। जल्दी ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेरठ में भाजपा की विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि देश में पहली बार योजनाओं का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखा गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाया जा रहा है। किसानों को सालाना 6000 रुपया मिलना सपा बसपा व कांग्रेस की सरकारों में नामुमकिन था। अब मोदी है तो सब मुमकिन है। प्रदेश और देश को बिजली संकट से निजात दिलाई गई है। प्रदेश में बिना भेदभाव के बिजली आ रही है। आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। कांवड़ व प्रयागराज कुंभ सकुशल संपन्न हुआ। पिछली सरकारों में कुंभ व कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पीड़न किया जाता था। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उप्र से अपराधी गायब हो गए हैं और अवैध बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है। अपराधी जेल में हैं या मांच दिए गए हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा 3 स्ट्राइक के जरिए की गई। पहले सरकारों की कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी, अब सेना को खुली छूट मिल गई है। यह लोकसभा चुनाव देश के नव निर्माण के लिए है। उन्होंने नारा दिया कि उत्तर प्रदेश 74 पार, फिर एक बार मोदी सरकार।